हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट स्टडी। मैं आपका इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर ले रही हूँ। हम इससे पहले 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारा 5th लेक्चर है। मैं इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ आपको हर रोज़ 2 स्टेट्स के बारे में भी बताती हूँ, ताकि आपका साइड बाय साइड कैपिटल स्टेट वाला पोर्शन भी कवर होता जाए। ओके, ये जो हमारा सेक्शन है जीए का क्लास 4 की रिक्रूटमेंट के लिए, ये 40 मार्क्स का है, विच इज़ वेरी स्कोरिंग। सो अगर आप ये सेक्शन अच्छे से करके जाएंगे तो आई मेक श्योर, मतलब आई कैन गारंटी यू कि आप ये जो एग्ज़ाम है इसमें अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सकेंगे। रही बात हमारे बाकी लेक्चर्स की, तो अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको रीजनिंग, जीए और मैथ्स की अलग अलग प्लेलिस्ट दिख जाएंगी। आपको जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना हो, आप उस प्लेलिस्ट में जाके अपने हिसाब से जो भी टॉपिक आपने पढ़ना हो वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप नए हैं इस चैनल पे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, जिन्हें जहाँ पर आपको हमारे जो चैनल है उसकी सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो आजकल हम लोग टेलीग्राम पे क्विज भी कंडक्ट कराते हैं, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन्हें ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। और आज इस लेक्चर के बाद भी अराउंड 7 o'clock, शाम को 7 बजे, आपके लिए मैंने इस लेक्चर के बेस्ड एक क्विज करी हुई है। तो मैं आप सब लोगों से बोलूँगी कि आप आइए टेलीग्राम चैनल पर और आप क्विज अटेम्प्ट कीजिए, और आप देखिए कि अभी तक जो भी आपने पढ़ा है आपको कितना याद है और कितना आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, चलिए आज का लेक्चर देखते हैं। आज हमने रखा है क्लाइमेट और सॉइल्स ऑफ इंडिया। हमारा थोड़ा सा पार्ट आइलैंड्स का बच गया था, तो वो भी मैंने इसी लेक्चर में कवर कर दिया है। तो देखिए, हमारी जो इंडिया है उसकी जो टोटल कोस्ट लाइन है दैट इज़ 7516 किलोमीटर्स, और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की, और उसके बाद सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है? आंध्र प्रदेश की। ओके, तो ये देखिए, हमारे 2 मेजर आइलैंड्स जो हमारे इंडिया में हैं दैट इज़ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप के सारे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। तो देखिए, आइलैंड्स में भी सब आइलैंड्स हैं, जैसे अंडमान में अगर हम देखें तो नॉर्थ अंडमान से लेके ग्रेटर निकोबार तक हमारे आइलैंड्स हैं। और यहाँ पर भी देखिए कितने कितने स्कैटर्ड आइलैंड्स हमारे हैं, जैसे कालपेनी, सुहेली, कार्डमम। ओके, सो ये सब आपके अंडमान और लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं। तो आज हम इसी के बारे में पहले पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम अंडमान की बात करें तो अंडमान और निकोबार में टोटल मिलाकर 572 आइलैंड्स हैं, ठीक है, जिसमें मिडल अंडमान जो है वो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। उसके बाद अंडमान ऐसा माना जाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट था ना, वो अंडमान जो है वो उसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। इस लाइन से आपको हमेशा ये भी याद रहेगा कि हमारे जो अंडमान है वो इंडिया के ईस्ट साइड पे हैं। ओके, अब सैडल पीक जो है वो नॉर्थ अंडमान में सबसे हाईएस्ट पीक है। उसके बाद यहाँ पर वॉल्केनिक आइलैंड्स भी हैं, जिसमें से अभी फिलहाल बैरन आइलैंड जो है वो एक्टिव हो चुका है, ठीक है। ये किस कभी भी एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो मींस व्हाट, कि ये कभी भी इरप्शन की प्रोसेस में ये आ गया हुआ है, और ये किसी भी दिन ज़्यादा अपना जो लावा है, अब थोड़ा थोड़ा जब आपका कोई एक्टिव वॉल्केनो होता है ना, उसके ऊपर आपकी स्मोक दिखना शुरू हो जाती है, बट देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है वॉल्केनो के अंदर दैट इट इरप्ट्स। ओके, तो यही इन्होंने बोला है कि ये एक्टिव हो चुका है अब वॉल्केनो। अब अरेबियन सी ग्रुप, देखिए अब अरेबियन सी ग्रुप कौन सा हो गया, जहाँ पे लक्षद्वीप और मिनिकॉय दोनों हमारे आते हैं, ठीक है। तो ये आइलैंड्स जो हैं ये मोस्टली कोरल आइलैंड्स, कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं कि मतलब एक कॉलोनी होती है एनिमल्स की, जो जो एग्जैक्टली एनिमल नहीं होती है बट एनिमल किंगडम का ही पार्ट होती है। ये जब आप बायो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे कोरल आइलैंड्स बहुत ज़्यादा हैं और फ्रिंजिंग रीफ्स हैं। और अगर हम लक्षद्वीप की पर्टिकुलरली बात करें तो लक्षद्वीप में 39 कोरल आइलैंड्स हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी कहते हैं कि मैम स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो स्लाइड्स हैं जो मैं आपको PDF भेजती हूँ, आपको उसकी वर्ड टू वर्ड लर्न करने की ज़रूरत नहीं है,
आपको पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ फैक्ट्स पता होने हैं। आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें 5 to 6 क्वेश्चंस जो हैं वो ज्योग्राफी के आएंगे, बट ये तो नहीं पता, हम कह सकते ना कि किस पार्ट में से आएंगे। तो हमारे लिए हर चीज़ जो मुझे लगता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती है वो मैं डाल देती हूँ अपने लेक्चर्स में, ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आप लोगों को वो आता हो क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है। ओके, सो डोंट गो बाय द फैक्ट कि ये इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आप ये सोचिए कि अगर आप ये सब लर्न कर लेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, सो अब देखिए, जैसे हमने पढ़ा था ना बाउंड्रीज होती हैं कंट्रीज के बीच में, वैसे ही इन जो आइलैंड्स हैं इनके बीच में भी बाउंड्रीज हैं। सो अगर हम देखें फर्स्ट, तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। हमने देखा था ऊपर अंडमान है और नीचे निकोबार है ना, तो बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो डंकन पैसेज जो है वो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से सेपरेट करता है। 9 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें तो वो कावरत्ती को मिनिकॉय आइलैंड से, कावरत्ती इज अ पार्ट ऑफ लक्षद्वीप, ओके, उसको मिनिकॉय आइलैंड से सेपरेट करता है। और 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को मालदीव से सेपरेट करता है, विच मेक्स योर इंटरनेशनल बाउंड्री। ओके, सो देखिए, अब इसी को मैं आगे मैंने एक पिक्टोरियल फॉर्म में भी आपको समझाया हुआ है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में क्या है, 9 डिग्री, मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री। अब नॉर्थ अंडमान और मिडल अंडमान के बीच में ना ये बैरन आइलैंड है, ये डोरमेंट नहीं है, अभी एक्टिव हो चुका है। और जो नारकोंडम आइलैंड भी मैंने आपको बताया था, ये नॉर्थ अंडमान के थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो उसके बाद साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास है, लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज का हमारा टॉपिक क्लाइमेट्स। सो क्लाइमेट्स जो हैं हमारे इंडिया के, मोस्टली इंडिया में, इंडिया के क्लाइमेट को क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ठीक है। तो अगर हम मानसून, आपको पता है कि इंडिया में मानसून कितनी प्रोमिनेंट है, तो अगर हम मानसून्स की ही बात करें तो इंडिया में दो टाइम पे मानसून आता है, ठीक है। एक है साउथ वेस्ट मानसून जो जून जुलाई के टाइम पे एंटर होता है, और उसके बाद एक आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून जो सितंबर दिसंबर के अराउंड होता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन भी नहीं किया कि माउंटेन्स के जो मानसून्स हैं वो किस विंड से एंटर होते हैं, क्या होता है, क्योंकि वो काफ़ी डीप चला जाएगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो इंडिया में कब आते हैं और नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो इंडिया में कब होते हैं। तो इंडिया में अगर हम क्लाइमेट सीजन्स की बात करें तो हमारे मेजरली 4 सीजन्स हैं। ओके, मेजरली हमारे 4 सीजन्स हैं जो कि डिफरेंट रीजन्स की वजह से हैं, ठीक है, मॉनसून्स की वजह से, या फिर जो हमारी हीट है वो अलग अलग है अलग अलग एरियाज में उसकी वजह से, और सन के वर्टिकल रेज। ये आपको सिर्फ फैक्टर्स याद करने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। आप ये नहीं भी याद करेंगे तो आप सिर्फ ये याद कर लीजिए कि 4 सीजन्स हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। अब 4 सीजन्स कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। आप सब लोगों को भी पता ही होगा, एक विंटर सीजन जो कि हमारा मिड दिसंबर से लेके मार्च तक चलता है, समर सीजन जो कि मार्च से मई तक चलता है। मार्च से मई आप बोल सकते हैं कि जो, मैं पूरे इंडिया की बात कर रही हूँ इसलिए मैंने ये बोला, अदरवाइज कमेंट्स में ये नहीं आना चाहिए कि मैम मार्च से तो स्प्रिंग शुरू होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो मार्च टू मई हमारा समर सीजन चलता है। रेनी सीजन जो है वो जून से शुरू हो जाता है, क्योंकि जून में साउथ से जो हमारा मानसून है वो एंटर कर जाता है। और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग, रिट्रीटिंग मतलब जो मानसून खत्म होने की बारी होती है, तो अक्टूबर से लेके मिड दिसंबर तक मानसून हमारे इंडिया से बाहर जा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कुछ और फैक्ट्स को देखें यहाँ पर, तो देखिए जो स्पेशली नॉर्थ में हमारा कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट मतलब कि जहाँ पर हॉट समर्स होते हैं, कूल विंटर्स होते हैं, थोड़ी बहुत रेनफॉल भी होती है, दैट इज कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। वहीं अगर आप कोस्टल एरियाज की बात करें तो वहाँ पे इक्वेबल क्लाइमेट है। इक्वेबल क्लाइमेट मीन्स कि
जहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती है टेम्परेचर में, मतलब अगर मैं इक्वेबल की ही बात करूँ तो आप अगर लास्ट पॉइंट पे आए, मैंने मालाबार कोस्ट की बात की है जो कि केरला में है, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है दैट इज़ अराउंड 27 डिग्रीज, ठीक है, विथ 3 डिग्री सेल्सियस एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, मीन्स कि 27 डिग्रीज तो वहाँ पे रहता ही रहता है, उससे 3 डिग्री ऊपर या नीचे हो सकता है. सो मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं है टेम्परेचर में, ठीक है. तो कोस्टल एरियाज में मोस्टली इक्वेबल क्लाइमेट रहता है. माउंटेन्स में आपको पता ही है ऑल्टीट्यूड डिटर्मिन करता है हमारे क्लाइमेट को, जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ती जाएगी. राजस्थान जो है हमारा हॉटेस्ट स्टेट है. अगर आप जनवरी को देखेंगे तो कारगिल और द्रास जो है हमारी कोल्डेस्ट प्लेसेस हैं इंडिया की. अगर हाईएस्ट रेनफॉल की बात की जाए तो मंस मंसवरम और चिरापुंजी, ये जो दोनों मेघालय में हैं, ये दोनों हमारी हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल यहाँ पे कवर होती है. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगर हम मॉनसून्स की ही बात कर रहे हैं आप, तो मॉनसून्स जो है उसे कर्नाटका में चेरी ब्लॉसम बोला जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी कॉफी प्लांटेशन के लिए. उस टाइम पे कॉफी को जब पानी की जरूरत होती है उसी टाइम पे ये मॉनसून्स आते हैं, और इसलिए इसे चेरी ब्लॉसम बोला जाता है. अदरवाइज मैंगो शॉवर्स भी बोला जाता है कई जगह पे मॉनसून्स को तो, और वो मेजरली बोला जाता है साउथ इंडिया में. और साउथ इंडिया में हमारी मैंगो कल्टीवेशन के लिए ये जो मैंगो शावर्स हैं, इसीलिए इन्हें मैंगो शावर्स बोला जाता है, क्योंकि मैंगो की जो प्लांटेशन है उस टाइम पे की जाती है जब ये मॉनसून्स एंटर हो रहे होते हैं. ओके, तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो है साउथ में वो अप्रैल में होता है और नॉर्थ में मई जून में होता है. अब आपको समझ आ गया होगा क्योंकि साउथ में क्यों होता है हाईएस्ट टेम्परेचर अप्रैल में, क्योंकि उसके बाद तो यहाँ पे मानसून एंटर हो जाते हैं ना, और नॉर्थ में मानसून काफ़ी लेट पहुँचते हैं. आपको पता होगा अगर आप न्यूज़ भी देखते हैं तो महाराष्ट्र में इस टाइम पे मानसून एंटर कर गए हुए हैं, बट क्या हमारे J&K तक अभी मानसून पहुँचे हैं? नहीं, अभी हमारे J&K तक मानसून पहुँचने में टाइम लगेगा, ठीक है. तो इसी तरह से वेरिएशंस आ जाती हैं इंडिया में भी. आप देखिए सॉइल्स, अब पढ़ लेते हैं हम अपना अगला टॉपिक. तो सॉइल्स हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स हैं. जैसे अगर हम इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में मेनली फॉरेस्ट सॉइल है. फॉरेस्ट सॉइल आपकी आपको पता ही है कि वो कल्टीवेबल तो होती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लेग्यूम्स मिल जाएंगे वहाँ पे, और ज़्यादा कुछ होता नहीं है वहाँ पे. उसके बाद जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं हमारी सारी, वहाँ पर हमने जब नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ी थी तब भी पढ़ा था कि नॉर्दर्न प्लेन्स में अलूवियल सॉइल प्रोमिनेंट है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है रेड सॉयल, विच इज इन दी डेक्कन प्लाटू, और डेक्कन यहीं पे कुछ पार्ट में सेंट्रल हाइलैंड्स वाले पार्ट में ब्लैक सॉयल भी है. ब्लैक सॉयल, अभी मैं आपको इन सब सॉयल्स के बारे में पढ़ाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है. तो उसके बाद ये लेटराइट सॉयल देखिए, यहाँ पे जो कोस्टल कहीं कहीं पे, मैं अगर आपको ये हटा दूँ सारा, तो ये यहाँ पे कुछ पार्ट नॉर्थ ईस्ट में, कुछ पार्ट यहाँ पे झारखंड वाली साइड पे, कुछ पार्ट यहाँ का और कोस्टल रीजन का, मतलब लेटराइट सॉइल जो है वो कहीं कहीं पे हमारे अवेलेबल है, और एरिड सॉइल जो है वो जहाँ पे डेजर्ट एरिया है हमारा वहाँ पे एरिड सॉइल है. ओके, अब देखिए इसमें भी आपको क्या पढ़ना है. इसमें आपको ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम जो है ये किस में रिच है और किस में लैक करता है, ये दोनों अगर आप नहीं भी लर्न करना चाहें तो मत कीजिए. ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इस कौन सी सॉइल में कौन से टाइप के क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो होते हैं, और मेनली ये कौन कौन सी स्टेट्स में होती है. ओके, और स्टेट्स का भी ना मतलब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, आप मैप रखिए साथ में, स्टेट्स पढ़िए, आपको अपने आप याद होएगा ये, ठीक है. तो अलुवियल सॉइल की अगर मैं बात करूं तो अलुवियल सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे इंडिया में, ठीक है. तो इसमें मेजरली सारे राबी और खरीफ क्रॉप्स जो हैं, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगी, राबी और खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, और यहाँ ये कहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स में, जैसे गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, यहाँ सब पे ये अलुवियल सॉयल पाई जाती है. फिर अगर ब्लैक सॉइल, जिसको हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं, वहाँ पर कॉटन, शुगर केन, ये सब, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल होती है ना, वो वहाँ पर क्या होता है कि
ये वाटर को अच्छे से होल्ड करके रखती है। तो यहाँ पर वो वाली प्लांटेशन होती है जिसे पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कॉटन हो गया, ठीक है, टबैको हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ये सब चीज़ें, राइस को भी जैसे खड़े पानी की ज़रूरत होती है, तो राइस हो गया, ठीक है। तो डेक्कन प्लाटू की ये सारी जो हमारी स्टेट्स हैं, इन सब में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अब रेड सॉइल का देख लेते हैं। रेड सॉइल जो है वो भी देखिए, अब रेड सॉइल अलग क्यों हुई बाकी सॉइल से? इसमें फेरिक ऑक्साइड्स, अगर आपने पढ़ा हो, आयरन जो होता है रेड सॉइल में, आयरन की प्रेजेंस को पाया जाता है, इसलिए ये रेड इन कलर होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन और पल्सेस, ये सब क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, और ये ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है। लेटराइट सॉइल को अगर हम देखें तो लेटराइट सॉइल जो होती है वहाँ पर ये कैशूनट्स, कॉफ़ी, रबर, ये सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर पाई जाती हैं। अब ये जो सॉइल होती है ना, ये बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है, और वेट भी होती है थोड़ी सी। तो ये जनरली आपको कर्नाटका, मैंने बोला ना ये बहुत, अगर आपने पीछे जब मैप में देखा था, ये बहुत स्कैटर्ड है, ये सॉइल कहीं पे प्रोमिनेंट नहीं है। तो ये वाली जो है इसमें आयरन और एलुमिनियम दोनों होते हैं, इसीलिए ये शुगर केन, कॉफ़ी, कैशू नट्स, इन सब के लिए अच्छी है, ठीक है। आगे की देख लेते हैं। लेटराइट सॉइल तो हमने देख लिया। अब एरिड जो डेजर्ट वाली है, डेजर्ट वाली जो सॉइल है ना, वो वहाँ पर मेनली कुछ ही क्रॉप्स जिनको कम पानी की ज़रूरत हो वो इस सॉइल में क्रॉप्स लगती हैं, जैसे बाजरा हो गया, कुछ पल्सेस होगी, बाजरा और बार्ले एक ही चीज़ है, ठीक है, फॉडर हो गया, ये सब चीज़ें हमारी एरिड सॉइल में ग्रो होती हैं। ये मोस्टली गुजरात, राजस्थान और कुछ पंजाब के पार्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिलाइन एंड ए एल्कलिन यहाँ पर है। सिलाइन एंड एल्कलिन ये जनरली ऑफ कोर्स, क्योंकि ये काफ़ी सिलाइन मीन्स नमक वाली ज़मीन है, तो ये जनरली नहीं होती है हमारे कल्टीवेशन के लिए अच्छी, ठीक है। तो ये जनरली कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न गुजरात में, कुछ डेल्टाज में, पंजाब, हरियाणा में, यहाँ सब, ठीक है। तो अब क्रॉप सीजन्स देख लेते हैं। आपने पीछे खरीफ और राबी के बारे में पढ़ लिया है, तो अब आप समझ लीजिए कि ये क्या होते हैं। हमारे तीन मेन क्रॉप सीजन्स होते हैं हमारे इंडिया में, खरीफ, राबी और जैद। खरीफ होता है मेनली समर्स के टाइम पे जो फसलें लगती हैं उन्हें खरीफ क्रॉप्स बोला जाता है। देखिए, मई और जुलाई के बीच में ये फसलें लगती हैं और सेप्टेम्बर और अक्टूबर के बीच में इन फसलों को हार्वेस्ट कर दिया जाता है। इसमें राइस, बाजरा, मेज, कॉटन, शुगर केन, ये सब जो फसलें हैं ये खरीफ क्रॉप्स के अंडर आती हैं। राबी क्रॉप्स मतलब जो विंटर्स में लगाई जाती हैं, तो जो विंटर के बिगिनिंग में लगाई जाती हैं क्रॉप्स, और इन उनको जैसे ही समर सीजन आता है वैसे ही हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसे बोलते हैं राबी क्रॉप्स, ठीक है। राबी किसके लिए? विंटर्स के लिए। खरीफ किसके लिए? समर्स के लिए, ठीक है। तो राबी क्रॉप्स की एग्जांपल्स आप देख लीजिए, बार्ले, ऑयल सीड्स, पटेटोज एट्सेट्रा। फिर जैद क्रॉप्स क्या होगी? जो बीच में थोड़ा सा टाइम बच जाता है ना, जब राबी और खरीफ के बीच में कुछ टाइम बचता है, क्योंकि आप देखिए ये समर सीजन में कहाँ, फेब से अप्रैल के बीच में ये हार्वेस्ट हो जाती है, और न्यू क्रॉप्स जो हैं वो लगती हैं मई और जुलाई के बीच में, तो अप्रैल से जून तक के बीच में ना ये जैद क्रॉप्स लगाई जाती हैं। ये मेनली मतलब जैसे क्यूकम्बर हो गया, मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये जो सॉइल के बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं ले वो वाली क्रॉप्स लगाई जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ ना हमारे इंडिया में क्या होता है, कुछ अब कैश क्रॉप्स भी होती हैं, ठीक है। फूड क्रॉप्स तो हमें पता ही है, जो हम मेजरली फूड में जैसे सीरियल्स, पल्सेस और स्पाइसेस, ये तीन हमारी मेजर फूड क्रॉप्स हैं। कैश क्रॉप्स होती हैं जो मेनली इसलिए लगाई जाती हैं ताकि हमारी इनकम जनरेट हो सके, ठीक है, फॉर बिजनेस पर्पस ही ये लगाई जाती है। अब जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी हमारी फूड क्रॉप तो नहीं है, बट हम फिर भी लगाते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारी कैश क्रॉप है, इससे हमारी इनकम जनरेट होगी, ये बिजनेस के लिए है मेनली, ठीक है। तो टी, कॉफ़ी, रबर, टबैको, शुगर केन, ये सब हमारी कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो मेजरली जो आपने कैश क्रॉप्स पढ़नी है वो हैं ये सारी, ठीक है। इसमें से मैं आपको एक जो आपको नहीं ये आपको बस ये देखना है कि ये क्रॉप जो है वो मेनली कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। शुगर जैसे सिल्क है ना, सिल्क आपकी कर्नाटका, जेंड के आंध्र प्रदेश में होती है। सिल्क की चार वेराइटीज़ होती हैं, बट मलबरी जो है वो मेनली इंडिया में प्रोमिनेंट है, और बिहार में सिर्फ टसर
सिल्क जो है वो फेमस है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। आज की स्टेट्स देख लेते हैं। आज की पहली स्टेट है हिमाचल प्रदेश, जिसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं 12। इसकी दो कैपिटल्स हैं, शिमला और धर्मशाला। शिमला मेन कैपिटल है और धर्मशाला इसकी सेकंड कैपिटल है। ये फ्रूट बोल ऑफ इंडिया बोला जाता है इसको। इसमें ऑल मतलब ये ऑल सीजन स्टेट है, जहाँ पे सब सीजन्स आते हैं, समर्स, विंटर्स, मॉनसून्स, ओके। और इसको एप्पल स्टेट भी बोला जाता है। ये सेकंड स्टेट बनी थी जो इसके जो टॉयलेट मिशन है हमारे इंडिया का, उसमें सेकंड स्टेट बनी थी जहाँ पे 100% टॉयलेट्स इंस्टॉल्ड हैं इस स्टेट में, ठीक है। ये बहुत ही शांत सी स्टेट है। यहाँ का जो आपको वेलकम है, यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ की करप्शन बहुत कम है, ठीक है। यहाँ की जो मेजर रिवर्स हैं वो है सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, यमुना। स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड। स्टेट फ्लावर है रोडोंडरन, ठीक है। स्टेट बर्ड है ट्रैगोपन, जिसको जुजुराना भी बोलते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यहाँ पे दो हैं, एक तो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है और दूसरा कालका शिमला रेलवे ट्रैक है, ठीक है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक, अगर आप ये कोरोना जब खत्म हो जाएगा आप जाएंगे तो देखेंगे ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है। नेशनल पार्क्स यहाँ पे हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क, जिसमें सिंबल बारा, पिन वैली और ग्रेट हिमालयन तो आए दिन पेपर्स में पूछा जाता है, तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेट देख लेते हैं झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं 24। ये जाना जाता है यहाँ पर मोस्टली 40% हमारे जो टोटल मिनरल रिसोर्सेज हैं वो झारखंड से जाते हैं। प्रोमिनेंट यहाँ का फिजिकल फीचर है छोटा नागपुर प्लाटू। मेजर रिवर्स यहाँ पे है दामोदर, ब्राह्मणी, सुबर्ण रेखा और संख। स्टेट एनिमल है एशियन एलिफेंट। स्टेट बर्ड है एशियन कोयल। स्टेट ट्री है साल। डांसेस है झुमेर, ये जी यहाँ पे नहीं है, झुमेर है। झुमेर, छाव और पैका। छाओ डांस तो आपको अगर आप एग्जाम्स देते हैं तो आपको पता होगा, ये भी आए दिन पेपर्स में आता है। नेशनल पार्क है यहाँ पे बेतला नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है डलमा, हजीरा बाग, उधवा लेक बर्ड सेंचुरी और सिंगबम एलिफेंट रिजर्व। यहाँ पर एशियन एलिफेंट्स जो हैं वो बहुत बहुत प्रोमिनेंट हैं। और दूसरा इस स्टेट का जो मेन आपको पता होना चाहिए, ये मिनरल्स के लिए फेमस है, ओके। आज भी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इन क्वेश्चंस को आप ढूंढिए, ये कुछ मेरे वीडियो में ही अवेलेबल हैं, कुछ आपको ढूंढने पड़ेंगे एज यूजुअल। और आज शाम को 7 बजे श्योरली आप ग्रुप में आइए टेलीग्राम के चैनल पर और क्विज दीजिए और देखिए कि आपको प्रैक्टिस की कितनी ज़रूरत है, ओके। क्योंकि क्विज से होगा क्या, क्विज से आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका आंसर पता चल जाएगा, और अगर आता है तो दैट विल मोटिवेट यू ओनली। सो क्विज आपको देना ज़रूरी है, ओके। विद दैट आई कंप्लीट माई लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो भी आप कमेंट में लिखकर मुझे पूछ लीजिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको बता दूँ उसका आंसर। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू।